बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड स्थित महानगर कॉलोनी शहर की पॉश कॉलोनियों में से एक है। इस कॉलोनी में करीब 1800 घर हैं। बावजूद इसके ये कॉलोनी अभी तक ग्राम पंचायत में आती है, जिसकी वजह से यहाँ जन सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के निवासी कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं रविवार को महानगर कॉलोनी की बदहाली और नगर निगम में कॉलोनी को शामिल किए जाने की मांग को लेकर महानगर कॉलोनी स्थित फाउंटेन चौक से कॉलोनी के मुख्य द्वार तक कैंडल मार्च निकाला गया, साथ ही नारेबाजी की। दरअसल महानगर कॉलोनी के निवासी पिछले 20 सालों से कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर यहां के निवासी कई बार प्रदर्शन करने के साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। कॉलोनी की सड़कों का बुरा हाल है और पानी के निकास की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा पार्कों की स्थिति भी बेहद खराब है। कॉलोनी में साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था ना होने की वजह से आए दिन कॉलोनी में चोरी की घटनाएं होती रहती है। आपको बता दें, यह कॉलोनी घनौरा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आती है, जबकि यहां तमाम हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, जिनमें डॉक्टर, रिटायर्ड जज और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। कॉलोनी के लोग चाहते हैं कि महानगर कॉलोनी को नगर निगम अपनी सीमा में शामिल करे, लेकिन लंबे समय से चली आ रही ये मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अपनी मांग मनवाने के लिए कॉलोनी वासी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं। वहीं अब जिम्मेदारों की नींद से जागने के लिए कॉलोनी वासियों ने एक बार फिर कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने कहा कि महानगर कॉलोनी की बदहाली से यहां के निवासी काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि कॉलोनी को नगर निगम में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानपति कॉलोनी के मेंटेनेंस के नाम पर हर घर से 630 रुपए लेता है, जो साल भर के करीब 1 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन इन रुपयों को कॉलोनी के मेंटेनेंस पर खर्च नहीं किया जा रहा है। ये एक तो ये गेट जब से हटाया गया है महानगर का, तब से एंटी सोशल एलिमेंट्स का इतना मूवमेंट हो गया यहाँ पर। हमारे घर सेफ नहीं है, हम गार्ड भी रख के जाएं फिर भी हम इनसिक्योर फील करते हैं बाहर जाने में, कि हमारे पीछे क्या होगा। अब दिन में भी ताला टूट जाता है, सेफ्टी भी नहीं है, गंदगी भी हो रही है। स्ट्रीट डॉग्स तो खैर है ही हैं, बंदर भी इतने हो गए हैं। प्रधान हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दे नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, कुछ सफाई नहीं है। पार्कों की ऐसी हालत है, पार्क मतलब पार्क है, वहाँ नीट एंड क्लीन होना चाहिए एटमॉस्फेयर, कि हम लोग भी जाके थोड़ा टहल सके, घूम सके, ना बच्चे खेल सकते हैं वहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं कि अब गिनती करें ना तो 10 से 12 प्रॉब्लम तो अभी हम गिनती गिना सकते हैं। तो बस यही सब है, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम में आ जाए, तो कुछ हम लोगों को भी फैसिलिटीज़ मिले। यही नगर निगम में शामिल करने को लेकर के है, जैसे हमारे अभी पोखरियाल साहब ने कहा, यहाँ पर सड़कों से लेकर ड्रेनेज की या हर तरह की जो है परेशानियाँ हैं, और जैसे कि बताया, जो हम लोग मेंटेनेंस देते हैं या यहाँ का बैंकेट हॉल जो इस्तेमाल हो रहा है उसका भी एक कलेक्शन आता है, ये कहाँ जाता है। डेवलपमेंट में कुछ खर्च नहीं हो रहा, किसी चीज़ की कोई डिटेल नहीं, और कई सालों से इस चीज़ के लिए सभी लोग संघर्षरत हैं, क्योंकि इन सब परेशानियों को देख कर आ रहे हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ सड़कों का कोई नहीं है काम, यहाँ पर पानी इतना भर रहा है, पानी सड़क की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से, 12 साल 15 साल से, वो देख रहे हैं कि प्रधान का काम कैसा चल रहा है। और इस काम को हटाने के लिए हम लोग चाहते हैं ये नगर निगम में आ जाए, नगर निगम की सारी सुविधाएँ हम लोग को मिले। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग किसी पॉश एरिया में रह रहे हैं, इसको संचालित अच्छी तरह से हो, इसलिए हम लोग नगर निगम में चाहते हैं। जो प्रधानपति हैं जी, वो मेंटेनेंस का पैसा रहते हैं, जो महीने साल भर में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, 1 करोड़ से ज़्यादा जमा हो जाता है। 630 रुपये हर हाउस से लिए जाते हैं, करीब 1600 हाउस हैं, हाँ, और तब भी ये हालत है रोडों पर, जब तक 1 करोड़ रुपया यहाँ से होता है। तो ये हमारी मेन वो है, यदि ये नगर निगम में जाता है तो इतना पैसा नगर निगम में जाएगा और हमारा काम ज़्यादा होगा। समस्या ये है कि ये कॉलोनी बरसों पुरानी हो गई है, 2003 से 2004 से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो है सुविधा के नाम से सभी लोग वंचित हैं। पानी नहीं है, पानी की टंकी की सफाई अब तक नहीं हुई है जब से कॉलोनी बनी है, और इसके अलावा यहाँ जो मेन कोई सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई नहीं होती है, कूड़ा नहीं उठता है, और जो यहाँ से लोग देते हैं बैंक का पैसा देते हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। और वो किसको देते हो आप? वो यहाँ पर जो है प्रधानपति फिलहाल खड़ा रहा है, प्रधानपति को, प्रधानपति जो राकेश है वो लेता है, और उस पैसों का कोई हिसाब नहीं दिया जाता है,
और उस पैसे के हिसाब से जो है और प्रॉब्लम ये है सर, देखिए कि बिल्कुल सफाई बंद है आजकल, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। सबसे बड़ी बात है देखिए, पेड़ यहाँ इतना बड़ा, दो पेड़ थे, इसको काट दिया गया अभी तीन दिन पहले। क्यों काटा ये पूछना चाहिए। गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि चलने में डर लगता है। बच्चों के प्रेम है, वो लेके हम बाहर नहीं निकल सकते, बच्चों को लेके गंदगी भरी पड़ी है। फ़ोन कर करके थक जाओ। स्ट्रीट लाइट जहाँ बंद है तीन तीन महीने से, आज भी बंद है। कोई स्ट्रीट लाइट लगाने नहीं आ रहा, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई सफाई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं ये नगर निगम में आए तो हमें हर फैसिलिटी मिले। कैंडल मार्च ये कॉलोनी 2001-02 में बननी शुरू हुई, उसके बाद आज तक बिल्डर अपना मकान बेच के चले गए। कॉलोनी न किसी को हैंडओवर हुई। नगर निगम कहता है कि हमारे नगर निगम में नहीं है, हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे। बीडीए कहता है कि हमारे उसमें नहीं है, हम नहीं करेंगे। और जिला पंचायत वाले कहते हैं ये तो ग्राम पंचायत करेगा। ग्राम पंचायत कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, रोडें टूटी हैं, पार्क जीर्ण शीर्ण हैं। करीब करीब 150 पार्क हैं छोटे बड़े इस महानगर में, और शहर में पार्क ढूंढे नहीं मिल रहा है जिम लगाने को और वगैरह वगैरह। पानी का टैंक ओवरहेड टैंक है यहाँ, 20 साल से उसकी सफाई और मरम्मत नहीं हुई अभी तक। और 630 रुपया पर मकान यहाँ से जाता है मेंटेनेंस, हम लोग जमा करते हैं। और कहाँ जाता है, क्या जाता इसकी है, इसकी कोई रसीद भी देते हैं आप? कोई रसीद नहीं, फर्जी ना अकाउंट है और जो बंदर बांट चल रही है। 1 करोड़ रुपया करीब करीब एक साल का इसमें जमा होता है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, स्ट्रीट डॉग ही बहुत है, बच्चों को आए दिन काटते रहते हैं, बंदर भी है बहुत ज़्यादा, नुकसान भी करते हैं। बच्चे साइकिल चलाते गिर जाते हैं, जगह जगह पे गड्ढे इतने हैं, बच्चे भी घबराते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए हम लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि ये नगर निगम में आना चाहिए। और जिस पास कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं, मतलब देख रेख भी नहीं है, पर किस हिसाब से काम हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर गंदगी भी आए दिन रहती है, इसीलिए हम सबकी यही इच्छा है कि इसको नगर निगम में कर दिया जाए।